इस सीरीज की तीसरी किताब द कोएलिशन ईयर्स 1996-2012 में उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बैठक को संबोधित करने के बाद और कहा था, बेशक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से प्रणब मुखर्जी को विदाई देते वक्त सोनिया गांधी ने कहा था कि उन्हें उनके नाज नखरे की कमी खुलेगी। दरअसल साल 2007 और 2012 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले की घटनाओं को याद करते हुए मुखर्जी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे कहा था कि उन्होंने यूपीए सरकार और संसद में जो अहम भूमिका निभाई है। मुखर्जी ने इससे पहले कहा था कि 29 मई 2012 को कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने उन्हें बताया था कि सोनिया ने पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम को शायद मंजूरी दे दी है, लेकिन तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के लिए भी पर्याप्त समर्थन की संभावना तलाश रही थी। पूर्व राष्ट्रपति ने पुस्तक में लिखा है कि मेरे नामांकन के बारे में असमंजस की मुख्य वजह वैसी ही थी जो 2007 में थी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सोनिया उन्हें सरकार में निभाई जा रही उनकी जिम्मेदारी से मुक्त करने से बच रही थी।